ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं चक्रवात बिपरजॉय को लेकर जो अब कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी पर बात करने के लिए मोरबी से हमारे संवाददाता रवि जुड़े हुए हैं। रवि, 1999 के चक्रवात की विभीषिका से सभी परिचित हैं, लेकिन जिस तरह से अब रियल टाइम मैपिंग के जरिए उन तमाम इलाकों को चयनित किया गया जहाँ पर इसकी विभीषिका सबसे ज्यादा हो सकती थी, उस लिहाज से IMD का जो प्रिडिक्शन रहा और जिस तरह से टीमों को तैनात किया गया, नुकसान बेहद कम हुआ है। जी जरूर से ये बात सही है। जब 1998 में जब ये तूफान आया था तब कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई थी, लोगों को जानकारी बहुत कम थी और गवर्नमेंट जो प्रशासन है वो पूरी तरह से पहले तैयार नहीं। लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है पहले से मालूम हो जाता है और प्रशासन पूरी यही चाहता है कि कम से कम कैजुअलिटी हो और मानव मृत्यु तो कम हो, साथ में जो पशु है उनको भी नुकसान न हो और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी कम से कम नुकसान पहुंचे, ऐसा प्रशासन प्रयास पूरी तरह से करता है। और साथ में प्रशासन का ये भी एक काम होता है साथ में कि जब ये तूफान खत्म हो जाए उसके बाद लोग फिर से अपने कामों में जुट जाए और अपने जीवन जीने लगे, उसमें भी प्रशासन सबसे बड़ा प्रयास करता है। जैसे मोरबी जिले की बात करें तो मोरबी जिले का जो नवलखी बंदर है वहां पे मछुआरे हैं, साथ में जो नमक वाले लोग हैं उन्हें फिर से अपने काम में जुड़ने, साथ में उनको कैजुअलिटी ना हो और जब वो आश्रय स्थानों पर हो तो उन्हें भी पूरी तरह से सुरक्षा और खाने पीने के इंतजाम पूरी तरह से दिए जाए। साथ में NDRF और SDRF की बात की जाए तो मोरबी जिलों में 2 टीमें तैनात की, उन्होंने पहले से ही पूरे रास्ते को देख लिया था कहां कहां से दिक्कतें आ सकती है तो वो वहां पूरी तरह से तैनात थे। साथ में पुलिस PGVCL और वहीवटी तंत्र ने भी कहीं भी कोई दिक्कत हो तो वो अपने बचाव कार्यों में जुड़ गए थे। जी ठीक है। रवि ये बताइए कि अगर हम पालतू जानवरों की बात करें और खासकर गिर के जंगल में क्या कुछ हालात हैं, शायद अभी तक उतनी जानकारी वहां की होगी नहीं, तो जानवरों को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जरूर से बता दूं, अब प्रशासन ने ये प्रयास किया था पहले मानव मृत्यु को कम किया, साथ में जो जानवर है उनके लिए भी उन्हें कम खुला रखा जाए, साथ में उन्हें सेफ जगह है वहां पे पहुंचाने के लिए भी प्रशासन ने पूरा प्रयास किया था। इसकी वजह से उनके कोई डेथ होने की भी ज्यादा न्यूज नहीं मिली है। जी जी रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही तापस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के। लेकिन एक बात यहाँ पर हमें देखनी होगी चंद्रशेखर, कि ये क्योंकि प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति से दोस्ती करना ही हमारे हित में है, जरा सा भी चेंज जब डिस्टर्ब होता है तो हम मान सकते हैं कि इस तरह की विपदाओं को झेलने के लिए फिर मानवता को झेलना पड़ेगा। छोटा सा कल एक खबर आई है कि पहली बार दुनिया का टेम्परेचर इस बार सबसे ज्यादा बढ़ा है कल की डेट में, तो कहीं ना कहीं एक इसी क्लाइमेट चेंज का जो असर है उसको भी कहा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।